हेलो फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल रुतबा खान किचन। अगर आपने मेरे चैनल रुतबा खान किचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं अंडा लौकी की एक न्यू रेसिपी। इसके लिए हमें चाहिए, हमने 500 ग्राम ले लिया है लौकी, इसको हमने छील कर ग्रेट कर लिया है। दो अंडे ले लिए हैं, एक बड़े साइज़ का हमने प्याज ले लिया है, इसको स्लाइसिस में कट कर लिया है। चार हरी मिर्च ले ली हैं, दो हमने लाल हो गई थी वो ले ली हैं, और दो इस तरह की ग्रीन ले ली है, इसको हमने कट कर लिया है। आधा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर ले लिया है, नमक ले लिया टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ऑयल ले लेंगे। हमने एक कढ़ाई रख ली है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हम 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल डाल देंगे और इसको हम तेज़ गर्म कर लेंगे। ऑयल हमारा तेज़ गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम प्याज। प्याज को हल्का सा हम फ्राई करेंगे। अब डाल देंगे हम इसमें लौकी। लौकी को हल्का सा मिलाएंगे इसके साथ। अब इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, नमक। फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए हम स्लो फ्लेम पर पकाएंगे। लौकी को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल लेंगे और ये गल चुकी है। अब इसमें डालेंगे हम अंडे। हरी मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हम हाई कर लेंगे, हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे। और ये अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गई है, इसे हम थोड़ी देर और भुनेंगे, लगभग 5 से 6 मिनट तक, और ये बस रेडी हो जाएगी। बहुत ही इजीली बन जाती है ये, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। अगर आप लौकी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इस तरह से लौकी बना कर खाएं, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप इसे ब्रेड या फिर रोटी से भी खा सकते हैं। इसे कंटिन्यू हम थोड़ी देर और भूनेंगे ताकि इसमें अंडे की स्मेल ना आए। और ये हमारी अंडा लौकी की रेसिपी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को करेंगे हम ऑफ और इसे करेंगे अब डिश आउट। तो हमारी अंडा लौकी की रेसिपी तैयार है।
अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।